की अखिलेश सरकार के दौरान शिक्षा मित्रों ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया था वो मौजूदा यूपी सरकार के खिलाफ भी जारी है। योगी सरकार को सत्ता संभालते ही शिक्षा मित्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था और आज एक साल बाद फिर योगी सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्र मैदान में उतर आए हैं। सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के एक साल बाद प्रदेश भर के शिक्षा मित्र एक बार फिर राजधानी लखनऊ में जुट गए हैं। इस बार शिक्षा मित्रों ने विरोध जताने के लिए सिर तक मुंडवा लिया। राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाकर पुरुष शिक्षा मित्रों से लेकर महिला शिक्षा मित्रों तक ने सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन की बरसी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों को सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है। अखिलेश ने शिक्षा मित्रों के बहाने योगी सरकार पर जबरदस्त तंज कसा है। ट्वीट के जरिए अखिलेश ने कहा, हमने जिन शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाकर रोजगार व शिक्षा तंत्र को सशक्त किया था, उन्हें भाजपा ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। आंदोलन की बरसी पर महिला पुरुष शिक्षा मित्रों का केश त्यागना वास्तुत भाजपा के विश्वास का भी त्याग है। शिक्षा मित्रों के हर संघर्ष में समाजवादी साथ है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। अब शिक्षा मित्रों की मांग है कि करीब 30,000 TET पास शिक्षा मित्रों को सीधे शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाए और जो शिक्षक पद पर समायोजित नहीं हो पाए हैं उनको समान वेतन समान काम के हिसाब से 38,878 रुपए दिए जाए।